हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? आपका भाई हाजिर है नई वैकेंसी के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है एक टॉप एमएनसी कंपनी की तरफ से। यहाँ पे बेसिकली कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी ब्रांच कोर ब्रांच में से आती है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल ब्रांच है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर और इंजीनियर ट्रेनी का वैकेंसी निकल रखा है, ठीक है। फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं आप तो आपको जॉब की नीड है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इसी वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि अप्लाई कर कैसे करना है, ठीक है मेरे भाई। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके लाइक से आपका कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन हमको डबल मोटिवेशन मिलता है ऐसे बेहतरीन वीडियो बनाने का। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में जो घंटी आएगा ना उसको दबा दे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे जो वैकेंसी आ रहा है वो आ रहा है जी आर इंफ्रा की तरफ से। बेसिकली जो कंपनी है वो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के अंदर वर्क करती है, टॉप की एमएनसी कंपनी। यहाँ पे अगर आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, इन कोर ब्रांच से आपकी ब्रांच है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो पोजिशन निकल रखा है वो निकल रखा है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, असिस्टेंट इंजीनियर का और इंजीनियर का। यहाँ पे वैकेंसी निकल रखा है, फ्रेशर है मेरे भाई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप मत करना। यहाँ पे इसी में वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इसी वीडियो में आपको बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सर्च बार दिख रहा है, आपको यहाँ पे जी आर इंफ्रा लिखना है, साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इनिशियली जो फर्स्ट नंबर वेबसाइट आ रहा है आपको उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। मैंने पहले ही सारे टैब्स ओपन कर रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वेबसाइट ओपन हो चुका है, आपको यहाँ पे थ्री लाइन दिख रहा होगा मेरे भाई, इसी लाइन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कैरियर का पेज नजर आएगा, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कैरियर का पेज दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वापस एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक्सप्लोर कैरियर दिख रहा है, इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे वापस एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको करना है कि यहाँ पे आपको सर्च जॉब्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जॉब शो होने लगेगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पे देख पा रहे आप, यहाँ पे वैकेंसी ओपन हो चुका है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट पे यहाँ पे वैकेंसी आ रहा है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे 2 तारीख को जॉब पोस्ट हुआ है, प्रोजेक्ट मैनेजर का आपका रहने वाला है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफिस आपका हाईवे का रहेगा, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी निकल रखा है, जॉब आईडी इसका दे रखा है, ठीक है। पोस्ट 2 तारीख को हुआ था, ठीक है। बजटिंग एंड बिलिंग का आपका रहने वाला है, रेलवे आपका डिपार्टमेंट आपका रहेगा। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का आपका रहने वाला है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का वैकेंसी निकल रखा है, लेकिन दोनों तीनों का आप जॉब आईडी अलग अलग दे रखा है। आपको क्या करना है, तीनों पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियर का पोस्ट निकल रखा है, ठीक है। 29 को पोस्ट हुआ था यहाँ पे, रेलवे का आपका डिपार्टमेंट रहेगा। वन बाय वन हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का यहाँ पे वैकेंसी ओपन हो रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जॉब आईडी यहाँ पे दे रखा है, पोस्ट 2 तारीख को हुआ था, ठीक है। रोल्स आपका रहेगा, आप देख सकते हैं, द रोल होल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग साइट रिलेटेड टेक्निकल एक्टिविटी विथ ग्रिल इकोसिस्टम, इंश्योर ऑल सर्विस आर डिलीवर्ड विथ टाइम एंड एट ए सेट ए क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, साइट ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग आपका रहने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल के अंदर, मैकेनिकल के अंदर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। UGC अप्रूवर्ड आपका होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें मांगी गई है, और एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 ईयर का मांगा है। फ्रेशर बंदा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे GET का पोजीशन रहने वाला है। अप्लाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, डायरेक्टली अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, तो फिक्र की बात मत करें, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ पे वैकेंसी आ रहा है, जॉब कोड यहाँ पे देख पाएंगे, पोस्ट 2 तारीख को हुआ है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि एक्सपीरियंस मांगा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 to 7 ईयर का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए। अगर आपने बीबीटेक किया, अगर आपके पास 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटेक किया है 1 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अप्लाई करने का यहाँ पे बटन है, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंजीनियर का यहाँ पे वैकेंसी निकल रखा है, रेलवे आपका डिपार्टमेंट रहने वाला है। ठीक है, रोल्स आप पढ़ सकते हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने बी टेक किया है, ठीक है, 2 से 5 साल का एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के अंदर, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एमटेक किया है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस, इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे वही ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का, लेकिन यहाँ पे जॉब कोड अलग दे रखा है। अप्लाई करने के लिए इस पर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का है, ठीक है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाला अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कोड तीनों का अलग है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको तीनों पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, क्योंकि छोटी सी तो कंपनी है नहीं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर चाहिए, तो यहाँ पे कई दूसरे लोकेशन के लिए चाहिए होगा, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बता देता हूँ। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक न्यू टैब ओपन हो जाता है, स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना, साइन इन कर लेना है। ठीक है, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड वापस ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पहली बार आए हैं, आपको पता ही नहीं, तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना मेरे भाई। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है, वही ईमेल आईडी लिखे जो आपके रिज्यूम में मेंशन है। दूसरी बार वापस से रीटाइप कर देना है, आपको यहाँ पे 8 करेक्टर का यहाँ पे पासवर्ड चूज कर लेना है, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं। फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ठीक है, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे भी इस पे क्लिक करेंगे मेरे भाई, तो आपकी जो मेल आईडी जो यहाँ पे डाली है, वहां पे एक मेल आएगा, ठीक है, उस मेल को आपको कंफर्म कर देना है। जैसे आप कंफर्म करेंगे, वापस यहाँ आने पे आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है। ठीक है, वापस यहाँ पे आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद जो आपने जॉब देखी, उसके लिए आपको अप्लाई कर देना है। डायरेक्टली वहां पे सामने ऑप्शन आएगा अप्लाई का, उस पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे भाई, बीई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए, डिप्लोमा के लिए भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर दीजिए, फ्रेशर है तो बीबीटेक के लिए अप्लाई कर दीजिए, कोर ब्रांच के लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ आप सबके लिए, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट करके जरूर बताएं आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे, ताकि वो जॉब आपके लिए हम ला सकें। एंड व्हाट्सएप, टेलीग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से जुड़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, डायरेक्टली वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।